एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो फ्यूजन फूड। मैं हूं आपकी शेफ़ महनूर मलिक और आज हम बनाने वाले हैं कुछ मज़ेदार सी डिशेस। एक बन रही है हमारी कैलगरी स्टाइल बीफ, हम बना रहे हैं जो कि ऑस्ट्रेलियन डिश है और बहुत शौक से खाई जाती है वर्ल्ड वाइड। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बड़ा मज़े का है कि ये चाइनीज़ पीपल भी शौक से खाते हैं, ऑस्ट्रेलियन पीपल भी शौक से खाते हैं, कैनेडियंस दे लव इट टू। साथ में बना रहे हैं हम पेने अरबियाता, दैट्स इटालियन। पेने अरबियाता का मतलब भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि व्हाट एग्जैक्टली पेने अरबियाता मीन्स एंड व्हाई इट इज़ रेड इन कलर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद आवर बीफ। बीफ का अब हमने करना क्या है, ये बड़े मज़े की चिकन है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। क्विक फिक्स चिकन है और आपके घर में बड़ी रौनक बढ़ाने वाली। इसके साथ आप राइस खा सकते हैं, इसके साथ आप, आज मैं राबियाता बना रही हूँ, वो खा सकते हैं बिकॉज इट्स गोना बी लिटिल स्वीट। और जो राबियाता है दैट्स गोना बी वेरी यू नो स्पाइसी, सो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। ठीक है, सबसे पहले हम जो बीफ है ना हमारा, इसको हम टॉस कर लेंगे कॉर्नफ्लावर में। बीफ आपने कौन सा लेना, अंडर कट लॉइन ले लें आप, वो ये बीफ है बेसिकली, इसका बस नाम है ये। ठीक है, ये जो पेट से ऊपर वाला हिस्सा और जो रिब के पास वाला हिस्सा होता है ना, उसका गोश्त होता है। जब आप किसी बुचर के पास जाएंगे ना, आप बोलेंगे मुझे बीफ कट चाहिए, तो वो आपको लेग का पीस दिखाएगा, आपको ये दिखाएगा, वो दिखाएगा। सो आपने बोलना है मुझे अंडर कट चाहिए। ठीक है, अंडर कट कौन सा चाहिए, फिर आप उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे, वो आपको एग्जैक्टली वही देगा। ये वाला मैं हमेशा इसलिए बताती हूँ क्योंकि ये जल्दी पकता है और लेग वाला पार्ट ज़्यादा जूसी होता है। ये भी जूसी होता है बट ये फैटी ज़्यादा होता है। सो स्टेक्स के लिए ना बेस्ट रहता है कि आप फैटी लें। अच्छा जी, ये देखिए कितने प्यारे प्यारे काट के रखे हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी हल्का, इसको उसको पैट ड्राई कर लेते हैं ताकि ना एक्स्ट्रा जो भी उसका पानी वानी है ना वो थोड़ा सा सूख जाए, ताकि जब हम कॉर्नफ्लावर लगाएं ना तो वो ज़्यादा स्टिकी ना हो। ठीक है, ये मैं हल्का हल्का करूँगी, ज़्यादा नहीं कर रही। ठीक है, ये देखिए अब दूसरी तरफ से इसी तरह हल्का सा कर लेंगे हम, थोड़ा सा पैट ड्राई कर लेते हैं। हो गया, अब मैं इसको फेंक रही हूँ। अब इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, बाकी का कॉर्नफ्लावर हम डालेंगे अपनी सॉस में। कॉर्नस्टार्च भी डाल सकते हैं, कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं, जो आपको ठीक लगता है वो डालें। ठीक है, ये हमने इस पर अच्छी तरह लगा दिया बिकॉज इसको भी हमने करना है क्रिस्पी, फुल क्रिस्प क्रिस्प होगा ज़बरदस्त सा। 1 टीस्पून और डाल देते हैं, चलिए टेबलस्पून, सॉरी टीस्पून बोल रही हूँ। अच्छा जी, ये अच्छी तरह हमने इसको कोट कर दिया। ओके, लेट मी वॉश माय हैंड्स, और अपने हाथों से करते हैं। मेरी और ग्लव्स की हमेशा से एक वो है टसल। अच्छा जी, ये देखिए ईच एंड एवरी जो है ना आपका प्रॉपर्ली कोटेड होना चाहिए। और इसको अब हम करेंगे फ्राई। एक बार हमारा बीफ फ्राई हो जाएगा उसके बाद मैं साथ साथ बातें करूँगी, आपको दोनों चीज़ों के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूँगी और साथ में हम लोग कुकिंग करेंगे। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, इसमें ऑयल डाल देना है एंड नॉर्मल फ्राइंग करनी है। ठीक है, अब ये ऑयल गर्म होगा फिर इसकी फ्राइंग करेंगे। सर्दियां है ना, मुझे बूट्स पहनने के बड़े मज़े आ रहे हैं, कल मैं और बूट्स में आऊंगी। अच्छा जी, ये हमारा होता है, साथ में ज़रा हम अपना पेने अरबियाता भी शुरू कर देते हैं। ठीक है, पेने अरबियाता, अरबियाता का क्या मतलब है ये मुझे बताया था एक कस्टमर ने। मैं जब एक होटल लाइन है, उसका एक रेस्टोरेंट है, ऑथेंटिक इटालियन रेस्टोरेंट है, मैं वहाँ पर एज ए शेफ़ काम करती थी। तो एक बार क्या हुआ, मेरे जो शेफ़ थे उन्होंने मुझे बोला कि आप ऐसा करें, आप जाएं और सबसे पूछें भी कि उनको खाना कैसा लगा है, क्योंकि आज आपने बनाया है तो जो जिन जिन कस्टमर्स का आपने बनाया है, आप जाके ज़रा उनसे पूछें तो कि उनको लगा कैसा है जो आपने खाना बनाया है। मैंने कहा चलें ठीक है, जाती हूँ पूछती हूँ। सो एक फॉरेनर थे, उन्होंने ऑर्डर किया था पेने अरबियाता। तो अब होता ही है कि मैं जाती हूँ, मैं उनसे जाके पूछती हूँ आपको कैसा लगा। सो वो कहते हैं कि बहुत अच्छा और फ्लेवर्स बहुत बैलेंस थे और ये वो ना। तो फिर ना मैं पूछ के उनको थैंक यू करके मैं जाने लगी, तो उन्होंने मुझे रोक लिया। उन्होंने मुझे रोक के पूछते हैं, कहते हैं 1 मिनट, कैन यू टेल मी व्हाट एग्जैक्टली अरबियाता मीन्स। एंड मैं ऐसे हो गई नर्वस कि ओ शिट, ये तो मैंने पढ़ा भी नहीं, मुझे पता भी नहीं है, क्योंकि आप हम लोग सीख रहे होते हैं, हम लोग नॉलेज नहीं ले रहे होते। सबसे बड़ी गलती हम लोग ये करते हैं कि जब हम चीज़ों को सीख रहे होते हैं ना, हम हमारा काम बनता है कि हम साथ साथ नॉलेज लें कि ये है क्या, ये क्या है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल, मैंने थोड़ा सा डाला, अब इसमें मैं डाल रही हूँ गार्लिक। गार्लिक आपको इतनी सौते करनी है कि ये हल्का सा इसका अरोमा छोड़े, खुशबू छोड़े, बस इतनी आपको सौते करनी है। फिर इसमें मैं डाल दूँगी टमाटो प्यूरी, ठीक है। अच्छा, अराबियाता का मैं ज़रा आपको जल्दी से बता दूँ, तो उन्होंने कहा अराबियाता का मतलब होता है एंग्री, गुस्सा, ठीक है, गुस्सा होता है इसका मतलब। सो आपका जो अराबियाता है ना, वो इतना स्पाइसी होना चाहिए कि आपकी नाक लाल हो, जैसे गुस्से में नहीं होती है उस तरह से आपकी नाक लाल हो जाए और आपकी आंखों से पानी आने लग जाए, दैट्स अराबियाता। अच्छा जी, मज़े की डेफिनेशन थी ना। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ टमाटो प्यूरी। ये प्यूरी आपने क्या करना है, या तो टमाटर फ्रीज़ करके रखने हैं, या फिर आपने क्या करना है कि उनको ना थोड़ा सा ब्लांच करना, हल्का सा कट लगाकर उबलते हुए पानी में डाल के हल्का सा ब्लांच करना है। उसके बाद उनको निकाल कर, उनके छिलके निकाल कर, तो आपने ब्लेंड करके प्यूरी बना देनी है। हमारा ये वाला तेल भी हम चेक करते हैं गर्म हो गया कि नहीं। जब तक ये थोड़ा सा बबल अप होगा, जैसे इसकी साइड्स पे बबल बनना शुरू होंगी ना, ये थोड़ा सा तेल छोड़ना शुरू करेगा, हम इसके अंदर सारे मसाले डालेंगे। बहुत ईजी है। पास्ता हमने हाफ बॉयल करके रख दिया था, ठीक है। अब इस तरह एक पीस डालकर हम देखते हैं कि ये इसका क्या हालात है। सी हो रहा है। अब मैं इसमें सारा बीफ डालूंगी। अच्छा, डालकर फ़ौरन से मैं हिलाऊंगी ताकि ना वो आपस में, क्योंकि कॉर्नफ्लोर लगा हुआ है ना, तो चिपके नहीं एक दूसरे के साथ। हाँ, थोड़ी सी हल्की कर लेते हैं। और ना हमेशा से ये देखें, फ्राई करते हुए करीब से चीज़ डाला करें, दूर से फेंकेंगे तो छींटा पड़ेगा। अच्छा, जब भी आप बीफ या चिकन लेते हैं ना, प्लीज़ कोशिश किया करें खुद जाकर लें, खुद जाकर ख़रीदें, अपनी पसंद का कट करवाएं। हमारे यहाँ के बुचर बहुत अच्छे हैं, आप उनको जो बोलेंगे ना, वो आपको उसी तरह से करके देंगे। कोई वो लोग यहाँ पे नखरा नहीं होता। इनफैक्ट वो खुश होते हैं कि अगर लोग खुद आएँ और वो आकर अपनी पसंद से चीज़ें करवाएँ। चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। बस मैंने अभी क्या करना है, इसको हल्का सा स्टिर करना है ताकि ये एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं। सो आई एम जस्ट गना स्टिर अ लिटल, ताकि ये देखें ना जुड़ने लग गए, एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं। ये अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो जाएंगे, हमारी सॉस भी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। ब्रेक से आके फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। क्रिस्पी नहीं होगा, मैं इसको आगे नहीं बना रही। अच्छा, इसके अंदर हम डालेंगे अभी सॉल्ट, तकरीबन 2 टेबल स्पून, ठीक है। अराबियाता, क्रश चिलीज, एज मच एज यू लाइक। मैंने इसको 1 टेबल स्पून रखा है, अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। क्रश ब्लैक पेपर, ग्राउंडेड ब्लैक पेपर, चिकन स्टॉक 1 टेबल स्पून, ओरिगनो हाफ अभी डालेंगे, हाफ हम ऊपर गार्निशिंग करेंगे, ठीक है। ये भी तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसका पानी ज़रा खुश्क हो जाए, उसके बाद इसमें हम डालेंगे टमाटो पेस्ट एंड देन पास्ता, और ये हमारा रेडी है। इजी था ना, मुश्किल नहीं था। अराबियाता बड़ा इजी है। लोग इतने महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में जाकर लिटरली इतना सारा पैसा खर्चते हैं जस्ट टू ईट इट। आई स्वेयर आई हैव सीन पीपल ईटिंग इट, स्पेशली फॉरेनर्स वगैरह। फॉरेनर्स को भी छोड़ दें, हमारे नॉर्मल रेगुलर पाकिस्तानी पीपल, लिटरली वो लोग आते हैं, इसका ढक्कन नहीं है क्योंकि पटपट कर रहा है बहुत ज़्यादा, लाइक लिटरली वो लोग रेस्टोरेंट्स में आते हैं, दे ऑर्डर अराबियाता to have it with a garlic bread or something, और इतना पैसा देके चले जाते हैं। मैं ऐसे हो रही थी, ओह, मतलब इस चीज़ के लिए it's very easy to make, so why not कि आप लोगों को सिखाया जाए, आप लोग घर पे बनाओ। ये देखिए क्रिस्पी हो गई है चिकन, और कलर आप देख रहे हैं इसका कितना खूबसूरत सा आया है, ठीक है। कैलगरी स्टाइल बीफ जो है ना, ये बड़ा फेमस है और आजकल रेस्टोरेंट्स में बड़ा मिल रहा है, और ये भी बड़ा एक्सपेंसिव मिल रहा है। इसमें हालांकि इतनी चीज़ें नहीं डलती हैं, इतना मुश्किल काम नहीं होता, फटाफट बन जाता है। ये सच अ नाइस कलर है ना, इसको अब निकाल लेते हैं और इसकी सॉस बनाते हैं। सी, ब्यूटीफुल कलर। करीब कर लेते हैं बर्तन में। कलर देखें कितना प्यारा है बीफ का। तकरीबन ये 250 ग्राम बीफ है, आप चाहें तो ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, फ़ैट हटा सकते हैं। मैंने हल्का हल्का इनके ऊपर फ़ैट रहने दिया है क्योंकि वो मज़े का लगता है। अगर आपने बीफ खाना है फिर प्रॉपर तरीके से खाएं, वरना मत खाएं। अच्छा जी, अब मैं ना ज़रा इसमें पानी डाल के रख दूँगी, इसको थोड़ा सा यूँ कर देते हैं। ठीक है, ये कॉर्न फ्लावर है, इसको हम लोग ना कॉर्न स्टार्च लें या कॉर्न फ्लावर लें, मर्ज़ी आपकी। ठीक है, ये हम इसको, ये गाढ़ा सा शुगरी सा ज़बरदस्त सा बनेगा। ये हमने मिक्स करके रख दिया है, ये एंड में डालेगा। ठीक है, अब ना मैं ये ऑयल कम कर दूं। इस ऑयल को किसी और बर्तन में डाल देते क्योंकि अभी बहुत गरम गरम है। सो आई एम जस्ट गोना पुट इट इन दिस, हाफ ऑफ इट, दैट्स इट। बाकी ये यही, क्योंकि इसमें बीफ फैट भी है, यही वाले तेल में हमारी सारी सब्जियां फ्राई होंगी। ये वाले जो ऑयल होते हैं ना, आप लोग प्लीज़ फेंका मत करेंगे, एक बार यूज़ हो गया तो फेंक दें, क्योंकि इसके अंदर सारी जूसेस जो होते हैं ना बीफ के या चिकन के, वो होते हैं। सो यू कैन यूज़ इट अगेन। और होगा ये कि जब आप नेक्स्ट खाना पकाएंगे ना, आई स्वेयर आपको इतना जूसी और डिफरेंट टेस्ट मिलेगा ना अपने खाने का। तो ये वाले वो वाली बात नहीं होती कि बस एक बार तेल इस्तेमाल किया उसके बाद फेंक दिया। प्लीज़ नहीं फेंका करें। एक तो खाना ज़ाया करने वाली बात होती है कि आप चीज़ को ज़ाया कर रहे हो और इतनी मेहनत से आप लोग कमाते हो, तो प्लीज़ उसको ज़ाया नहीं किया करें। जितनी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं उसको करें, जो भी लेफ़्ट ओवर्स होते हैं वो भी यूज़ किया करें। इफ़ समवन सेज़ टू यूज़ एवरीथिंग न्यू एवरी टाइम, दैट्स टोटली रॉन्ग। ये आप रिस्क का जो है ना वो आप अनफेयर हो रहे हैं रिस्क के साथ। अच्छा जी, ठीक है, अभी हम ज़रा अपनी सॉस चेक करते हैं। ये देखें, ये होने लग गई है गाड़ी। अब इसमें मैं डालूँगी टमाटो पेस्ट और इसको हम पकने देंगे थोड़ा सा, और इसको थोड़ा सा। टमाटो पेस्ट आप ले लें तकरीबन 1/4 का। ठीक है, टमाटो पेस्ट मैं एंड में हमेशा इसलिए डालती हूँ कि कलर जो होता है ना टमाटो पेस्ट से अच्छा आता है, रिच कलर आता है, सही रिच कलर आता है। जब थोड़ा सा और गाढ़ा होगा फिर इसके अंदर हम लोग, हाँ, इसके अंदर हम लोग अपना पेने पास्ता डालेंगे और फिर हम इसकी गार्निशिंग करेंगे, एंड दैट्स इट। हमारा पास्ता तैयार, सही है। अभी थोड़ा सा और हम इसको गाढ़ा करते हैं, जरा हम इकट्ठा कर लें, शो यू द क्लीन प्लेस। अच्छा जी, इसमें मैं अब क्या डालने वाली हूँ? इसमें सबसे पहले मैं डालूँगी गार्लिक, उसमें अब हम डालेंगे, हमने डाली गार्लिक। गार्लिक देखें अच्छे से हो गया। अब इसमें मैं डालूँगी जिंजर, जिंजर भी हम इसी तरह ही करेंगे। ठीक है, आप लेस से लेस ऑयल, जितना लेस करना चाहें करें। फिर इसमें मैं डालूंगी कैरेट्स। अच्छा, चाइनीज़ पीपल दे लव दिस डिश, इट्स समथिंग वेरी अमेजिंग कि चाइनीज़ पीपल दे लव दिस डिश एंड ऑस्ट्रेलियन पीपल दे लव दिस डिश, दोनों जगह बनाई जाती है। ठीक है, अब ये हल्का सा फ्राई होगा। जब तक ये फ्राई होता है हम क्या करेंगे, कैलगरी की सॉस रेडी कर लेते हैं। ये देखिए हल्के हल्के फ्राई हो गए। अब इसके अंदर मैं डालूंगी द वाइट पार्ट्स ऑफ ग्रीन अनियन। ये आप देखें स्ट्रिप्स में काटा हुआ, एवरीथिंग शुड बी इन स्ट्रिप्स, हर चीज़ स्ट्रिप्स में कटी हुई अच्छी लग रही है इसकी। ठीक है, अब ये थोड़ा सा फ्राई होता है अच्छी तरह। व्हाट हैव आई डन, चलो ठीक है, चले चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। जब तक हमारी दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी शेप में आ जाएंगी फिर वापस आके दोनों को फाइनल टच देते हैं, फिर आखिरी ब्रेक में हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। ये देखिए मैंने प्लेटिंग के लिए ना सोचा थोड़ा सा इसको भी यूज़ करते हैं, अच्छी सी प्लेटिंग करेंगे। ये देखें ये हो गए हमारा ग्रीन वाला और हमारे कैरेट्स फ्राई हो गए हैं। अब इसमें मैं क्या डालूँगी, ग्रीन अनियंस, मतलब द ग्रीन पार्ट। ठीक है, इसको भी अब हम अच्छी तरह करेंगे कि ये अच्छे से मिक्स एंड फ्राई हो जाए। ठीक है, अब हम बनाएंगे सॉस। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं ना हम सॉस रेडी कर लेते हैं। ठीक है, सोया सॉस 1/4 कप, सेसमी ऑयल, ओके दिस इज राइस विनेगर, 1 to 2 to 3 tablespoon, sesame oil 1 teaspoon or 2 teaspoon, crushed chilies ये भी इतनी तकरीबन 1 टेबल स्पून एंड 1/4 कप ऑफ शुगर। मैं थोड़ा सा कम यूज़ करूँगी, दैट्स टू मच। ठीक है, ये हमने डाली चीज़ें। इट्स अ वेरी इजी रेसिपी एंड इट्स वेरी टेस्टी एज वेल। इसको हम अच्छी तरह मिक्स करते हैं। यू कैन यूज़ सॉल्ट एज वेल, हम थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल देते हैं ताकि ना बैलेंस टेस्ट है। ठीक है, इसी में ही सॉल्ट ऐड कर रही हूँ मैं। ठीक है, अब मैं इसी के अंदर ये ऐड करूँगी सॉस। थोड़ा सा इसको पकाएंगे कि थोड़ा सा बबल बबल हो जाए। सही है, ये देखें बबल हो रहा है। अब मैं इसमें डालूँगी वापस से बीफ, क्योंकि बीफ के ऊपर भी ना कॉर्नफ्लावर लगा हुआ है। तो बिफोर एडिंग हमारा जो कॉर्नफ्लावर मिक्स है ये अच्छी तरह जूसेस जो है ना वो ग्रैब कर ले। अच्छा, सॉल्ट मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं डाला क्योंकि सोया सॉस में भी सॉल्ट होता है, तो ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा सॉल्ट हो जाएगा वरना, और इक्वल हो जाएगा। अभी देखना चीनी भी डाली है ना, सॉल्ट भी डाला है, इक्वल बैलेंस हो जाएगा। इफ़ यू फील लाइक चीनी थोड़ी है तो आप और ऐड कर सकते हैं। देखिए कितने मज़ेदार सा बन गया है ना। अब इसमें हम डालेंगे ये कॉर्नफ्लावर मिक्स, सारा नहीं डालेंगे, पहले हम थोड़ा थोड़ा डाल के देखेंगे कि जितनी हमें ज़रूरत है, जितना हमें गाढ़ा करने की ज़रूरत है। 3-4, पहले 4 चम्मच डाला। नाउ मिक्स इट, ये स्लरी हो जाइए ना। देखो बबल्स इसके बन रहे हैं ना इस तरह से। 1 मोर 1 मोर। ठीक है, एंड दैट्स इट, हमारा कैलगरी स्टाइल बीफ रेडी है। ये देखें, अब इसमें मैं क्या डालने वाली हूँ, इसमें मैं जो पास्ता था ना वो डालूँगी। सो वी आर गोइंग टू ऐड पास्ता। ये एक्स्ट्रा बॉयल हो गया पर इट्स ओके। वी आर गोइंग टू मिक्स इट इन द सॉस। चले चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं और फाइनल करते हैं अपनी डिशेस को। वेलकम। पता है अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग ना सोचे थे कि हम और क्या बातें करेंगे, तो ना फिर मुझे हमारे एक अज़ीज़ कैमरामैन है, उन्होंने हमें बोला अच्छा आप बताना कि आपको बचपन से किचन में जाने का शौक़ है। तो मैंने कहा बचपन से शौक़ ही नहीं था। उन्होंने पूछा क्यों? मैंने कहा क्योंकि मुझे जाने ही नहीं देते थे किचन में। सबको लगता था मैं हाथ जला दूँगी, मैं कोई नुकसान कर दूँगी, इस चक्कर में कोई जाने ही नहीं देता था। अच्छा ये देखिए, ये मैं बड़ी प्यारी सी, दिल कर रहा था कि कुछ प्लेटिंग स्टाइल ट्राई करते हैं। मैं इसकी कटिंग करने लग गई थी। मैंने कहा इसको भी थोड़ी इज्जत देते ना, ऐसे हम खचर खचर करके छुरी के साथ शुरू हो जाते हैं। उनको टाइम भी नहीं, हम अपने वेजिटेबल को टाइम भी नहीं देते कि वो रेडी हों। सही है, और हम लोग एग्जैक्टली हम लोग ना असल में टाइम नहीं देते। हम लोग क्या करते हैं फ़ौरन से ना, हम सब, ये भी तो लिविंग थिंग है ना, इनका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। हम क्या करते हैं पकड़ के वरना उनको रेडी होने का तो टाइम देंगे, अच्छा उनके साथ कुछ होने वाला है। सो फिर मैंने इसलिए आज सोचा आप ना हमेशा से मजाक करनी हो थोड़ा सा। अच्छा मैं आपको ज़रा बताऊँ, हमेशा ना गार्निशिंग का आप लोग ख्याल रखा करें। पीपल गेट रियली इम्प्रेस्ड बाय योर गार्निशिंग स्टाइल्स। सही है, तो आप लोग ज़रूर अपनी गार्निशिंग अच्छी किया करें। मैं थोड़ा सा इसको भी कर देती हूँ चॉप। आई एम ट्राइंग समथिंग न्यू ना, तो करना चाहिए कुछ ना कुछ। सो हम इसको क्या करेंगे, हल्का सा गार्निश करेंगे। इधर ले आती हूँ, कैमरा मैन बोलेंगे कभी इधर घुमा रही है कभी उधर लेके जा रही है। अच्छा जी, छुरियाँ भी एक तो हमारे पास ये वाली है ना, कोई शेफ़ नहीं, मुझे शेफ़ ही नहीं समझते। शेफ़ ये देखें, ये देखें, अभी हमने इसको छोटा छोटा काट लिया प्यारा सा। ये भी हम ऊपर डालेंगे। मेरा दिल कर रहा है बोलने का पर मैं चलो नहीं बोलती, वही ना यही बात बोलने का दिल कर रहा है। भाई देखें, अभी मुझे ना मेरे डायरेक्टर कह रहे हैं आप बहुत शिकायत करती हैं, आप शिकायत करती हैं, बहुत ज़्यादा शिकायतें करती हैं। तो मैं शिकायत नहीं करती, मैं बस मैं भूल जाती हूँ असल में कि मैं टीवी पे हूँ, और मैं इसी तरह एंजॉय कर रही होती हूँ जैसे मैं घर में एंजॉय करूँ। ठीक है, अभी हमने इसकी बड़ी सिंपल सी प्लेटिंग करनी, कुछ फैंसी नहीं करना। ये मैंने रोस्ट करके थोड़े से सेसमी सीड्स रखे थे बिकॉज इसमें सेसमी ऑयल भी डाला है। ठीक है, अभी कितना प्यारा सा इसका ऊपर से ऑयल भी आ रहा है। सो अब हमने क्या करना है, सिर्फ इसकी प्लेटिंग करनी है। ठीक है, ये देखिए, इसको हम इसमें निकालते हैं हमारी चिकन को। अगर आप रॉ रख देंगे ना जिस तरह से ये मैंने रखा है, सो इट विल नॉट लुक बैड, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये जिसको ऑयल है, दिस इज ऑल सेसमी ऑयल एंड इट्स गुड फॉर यू। ठीक है, सो डोंट माइंड द ऑयल। आप नहीं बोलो हो कितना तेल है, नहीं। ये जब आप राइस के साथ या किसी चीज़ के साथ खाएंगे ना तो ये ऑयल ही आपको अच्छा लग रहा होगा बिकॉज इसमें शुगर है, इसमें सॉसेज हैं, सो इट्स गोना गिव अ वेरी गुड टेस्ट। साथ में हम ऐड करते हैं, दिस इज़ बेसिकली सिरप नॉट ऑयल। अच्छा, इसके ऊपर हम सेसमी सीड्स डाल दिए बहुत सारे। अच्छा, अब ये वाले जो है ना, मैं सोच रही हूँ कि इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट ऑन इट, हम इसको इस तरह से साइड पे रख लेते हैं। सी हाउ मच डिफरेंस इट्स मेक्स। आपकी प्लेटिंग बहुत डिफरेंस बनाती है। थोड़ा सा और हम कट करके डालते हैं बिकॉज इट रियली लुक्स गुड राइट नाउ। ठीक है, फिर हम अपना पेने की तरफ चलते हैं, राबियाता की तरफ चलेंगे। अभी मेरे पास छुरी दूसरी वाली नहीं है तो हम इसके साथ ही कर लेते हैं। ये देखिए, है ना, लुक्स गुड, स्मेल्स गुड एज वेल। चले जी, हमारी एक डिश रेडी है ज़बरदस्त सी। अब हम दूसरी डिश को फिनिशिंग की तरफ लेके जाते हैं। हमारा पास्ता रेडी है, राबियाता। अच्छा, आपने जो अपना पास्ता है ना वो ओवर कुक नहीं करना प्लीज़, बिल्कुल भी। इसके ऊपर हम लोग क्या किस चीज़ से गार्निशिंग करेंगे, हम इसके ऊपर मोज़रेला डालेंगे, ओरिगैनो हम इसके अंदर ये भी ऐड करें एंड में। अच्छा, जो आपके ड्राइड मिक्स हर्ब्स होते हैं ना वो आपने कभी भी पहले से नहीं डालना। ठीक है, वो हमेशा से एंड में डालने क्योंकि उनका खड़ा खड़ा टेस्ट अच्छा लगता है। अगर आप पहले से डाल देंगे तो वो कड़वे हो जाएंगे। हमने मिक्स कर लिया एंड नाउ जस्ट गोना सर्व इट। ठीक है, हमने सर्व किया। पास्ता ऑलरेडी बॉइल्ड था। ठीक है, इसको हम साइड पे कर देते हैं थोड़ा सा ताकि इक्वल लगे। अब इसकी फाइनल प्लेटिंग करते हैं। हाफ बॉयल आपने करना है प्लीज अपना पास्ता। अब इसके ऊपर हम डालेंगे, अगर आपके पास कॉटेज चीज़ है आप वो डाल दें, अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ है आप वो डालें, अगर आपके पास पार्मेजान है सो वेल एंड गुड, पार्मेजान डालें। किसी भी चीज़ से आप इसकी टॉपिंग कर सकते हैं। आप इसको चाहें तो मोज़रेला डाल के बेक भी कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट वांट टू बेक इट, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है जी, ये हमने डाला। अब इसके ऊपर हम लगाते हैं थोड़ा सा सोया लीफ और वी कैन ऐड बेसल। बेसल के हम लोग टुकड़े करके लगा लेते हैं। चले, हाँ, आई लव द स्मेल ऑफ बेसल। मैं आप लोगों को किसी दिन पेस्टो बनाना सिखाऊंगी। पेस्टो आप लोग बना के रखा करें, इटालियन खानों में सबसे ज़्यादा पेस्टो डलता है, पता है। दिस इज़ पर्पल बेसल। You're gonna take one of it. अच्छा, थोड़ा सा पार्सली रख लेते हैं। Just add the variety of herbs, so it will look good. थोड़ा सा हम साइड पे ये रख लेते हैं। चलो, ठीक है, इधर रखते हैं इस तरह से अड़ा कर। बिकॉज पेने में देखे ना क्या डाला है, टमाटो डाला है, टमाटो के अलावा क्या डाला है, हर्ब्स डाले हैं। आप ऊपर भी स्प्रिंकल करके डाल सकते हैं एज यू लाइक ना, वही बात आ जाती है। ये देखिए, ठीक है, अब बीच में मैं एक टमाटो डालूंगी। सच अ जूसी टमाटो है, इसको ना ही दिखाएं प्लीज़। चले जी, इसके ऊपर हम टमाटो रखेंगे। एक टमाटो ज़रा हम अंदर प्रॉपर उस तरह से करके रख कर इसके ऊपर छोटा सा हम एक पार्सली का पीस रख देंगे। ठीक है जी, चले जी, ये हमारी डिशेस रेडी हैं। चलते हैं एक रेसिपी ब्रेक की तरफ, वापस आकर इसकी फाइनल फिनिशिंग करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं और फिर शो को एंड करते हैं। जिंजर बीफ, बीफ के अज्जा, कॉर्नस्टार्च 1 कप, स्लाइस बीफ हस्बे ज़रूरत, तेल 2 कप। सॉस बनाने के लिए सोया सॉस 4 खाने के चमचे, राइस विनेगर 6 खाने के चमचे, चीनी 5 खाने के चमचे, तिल का तेल 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा। सब्जियों के अज्जा, तेल 2 खाने के चमचे, गाजर 2 खाने के चमचे, पिसी अदरक 1 खाने का चमचा, पिसा लहसुन 3 जवे, हरी प्याज 2 अदद, कॉर्नस्टार्च 1 खाने का चमचा, पानी 2 खाने के चमचे। तरकीब, बाउल में 1 कप कॉर्नस्टार्च डालकर स्लाइस बीफ टॉस कर लें, फिर कढ़ाई में तेल गरम करके स्लाइस बीफ डीप फ्राई करें और निकालकर एक तरफ रख दें। सॉस बनाने के लिए बाउल में तमाम अज्जा शामिल करके मिक्स कर लें। दूसरे पैन में 2 खाने के चमचे तेल गरम करके गाजर और हरी प्याज सौते करें, फिर इसमें अदरक, पिसा लहसुन डालकर तेज आंच पर फ्राई कर लें। इसके बाद तैयार सॉस शामिल करके इतना पकाएं कि मिक्सचर में उबाल आ जाए। अब कॉर्नस्टार्च पानी में हल करके मिक्सचर में डालें और इतनी देर पकाएं कि मिक्सचर गाढ़ा हो जाए, फिर इसमें पका हुआ बीफ शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। आखिर में हरी प्याज से गार्निश करके गरम गरम सर्व करें। पेने अरबियाता अज्जा, पेने पास्ता 1 पैकेट, टमाटर 5 से 6 अदद, टमाटर का पेस्ट 5 से 6 खाने के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़रूरत, लहसुन 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, ओरिगेनो 1 चुटकी, पार्मेजान चीज़ हस्बे ज़रूरत, पार्सली हस्बे ज़रूरत। तरकीब, टमाटर को छीलकर प्यूरी बना लें, फिर पैन में तेल गरम करके लहसुन सौते करें। इसके बाद कुटी लाल मिर्च, नमक और काली मिर्च शामिल करके सौते कर लें। अब इसमें टमाटर की प्यूरी डालकर चंद मिनट पकाएं, फिर इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल करके धीमी आंच पर पका लें। इसके बाद ओरिगेनो डालकर मिक्स करें। अब पेने पास्ता उबाल कर सॉस में शामिल करें और अच्छी तरह टोस्ट कर लें। आखिर में पार्मेजान चीज़ और पार्सली छिड़क कर गरम गरम सर्व करें। वेलकम बैक। अच्छा जी, तो हमारी कैलगरी स्टाइल, अच्छा जी थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन हम देते जाएं। कैलगरी जो है ना, वो है कनाडा का सिटी जहाँ पे ये चिकन इजाद की गई थी, और ये इजाद जो की थी ना, वो की थी किसी चाइनीज़ शेफ़ ने की थी। ठीक है, चाइनीज़ शेफ़ थे, कनाडा के कैलगरी में रहते थे, तो उन्होंने क्या किया, जब ये इजाद की तो ये बहुत फेमस हो गई। एक कैलगरी के नाम से एक रेस्टोरेंट था, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने की और काफ़ी फेमस हो गई। फिर इस डिश का नाम भी यही पड़ गया और ये ओवरऑल वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुकी थी। सो ये थी इसकी थोड़ी सी। अब मैं आपको ज़रा दोनों की रेसिपीज़ थोड़ी सी जल्दी जल्दी रिमाइंड करवा दूं कि हमने किया क्या था। कैलगरी में हमने क्या किया, चिकन ले लें अगर इफ़ यू वांट, बट बेसिकली इट्स बीफ। बीफ उसके साथ स्ट्रिप्स के साथ हल्का हल्का फैट लगा रहने दीजिएगा। हमने क्या करना है कि अपनी जो बीफ है ना, उसको हमने कॉर्नफ्लावर के साथ अच्छी तरह, कॉर्नस्टार्च के साथ अच्छी, पहले हमने बीफ को पैट ड्राई करना है ताकि वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। उसके बाद आपने उसके ऊपर कॉर्नफ्लावर लगाना है, कॉर्नफ्लावर लगाकर फिर आपने उसको रख देना है। फिर आपने ऑयल में इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए आपने पहले एक डाल के देखते हैं, अच्छा फ्राई हो रहा है, बबल्स बन रही हैं, तो फ्राई होना मतलब शुरू हो गया। ठीक है, आपने सारी बीफ डालनी है, उसको हल्का सा घुमाना है चम्मच से ताकि कॉर्नफ्लावर से वो बीफ आपस में जुड़े नहीं। ठीक है, आपने करके रख दिया। उसके बाद आपने आधा ऑयल छान लिया, उसी आधे ऑयल में आपने क्या करना है, ग्रीन अनियंस का वाइट पार्ट, ग्रीन पार्ट और कैरेट, सबसे पहले कैरेट्स फ्राई करने हैं। अदरक लहसुन डालेंगे, फिर अदरक को आप चाहे जूलियन कट कर लें या फिर आप चॉप कर लें, मर्जी आपने वो डालना है। उसके बाद आपने फिर कैरेट्स डालने, कैरेट्स जब थोड़ा सा अपना कलर चेंज कर लेंगे, फिर आपने उसके अंदर वाइट पार्ट डालने, फिर जब वो थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाएंगे तब आपने ग्रीन पार्ट्स डालने। फिर आपने सॉस बनानी है, सॉस आपने बनानी है सोया सॉस, शुगर, राइस विनेगर एंड सेसमी ऑयल की। ठीक है, सॉल्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू फील लाइक दैट यू वांट टू ऐड सॉल्ट देन ऐड इट, अदरवाइज यू डोंट हैव टू, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, वो जो फ्राइड आइटम्स होंगे उसके अंदर आपने सॉस डालनी है, फिर आपने कॉर्नफ्लावर को पानी में मिक्स करके वो डाल के उसको स्लरी करना है। देन यू हैव टू ऐड योर बीफ ताकि फ्लेवर्स जो है ना वो सारे बीफ में रस बच जाए। ऑलरेडी आपने जो कॉर्नफ्लावर लगाया था ना, उससे ये हुआ कि जो बीफ का जूस था ना वो बाहर नहीं बिखरा, वो अंदर लॉक हो गया। सो व्हेन यू आर गोइंग टू ईट योर बीफ, वो बाहर से बहुत क्रिस्पी होगा और अंदर से उतना ही नरम होगा। सो ये थी हमारी कैलगरी। पेने अरबियाता को हमने क्या किया, आपने नॉर्मली प्यूरी बनानी, टमाटो प्यूरी बनानी, टमाटो पेस्ट रखना है। आपने अपना लहसुन फ्राई किया, उसके अंदर आपने प्यूरी डाली, उसका थोड़ा सा पानी जैसी खुशबू, आपने सारे स्पाइसेस डालने, ओरिगेनो डाल दिया, सॉल्ट, चिकन पाउडर, रेड फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स एंड देन ब्लैक पेपर। ठीक है, आपने डाला, उसके बाद में टमाटो पेस्ट डाला, आपने मिक्स किया, जब वो बन गया आपने उसके अंदर डाले पेने अरबियाता, पेने डाला एंड योर अरबियाता इज़ रेडी। सो थैंक यू, टाइम ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस शो। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी कुछ अलग, कुछ मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अपनी शेफ़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।